नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया था। देखिए, मलबे में दबने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जो खबर मिल रही है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दें कि 28 लोग घायल हैं। मलबे से निकाले जा रहे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें KGMU रेफर किया गया है। हादसा ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में हुआ है, जहाँ 3 मंजिला इमारत अचानक से भरभरा कर गिर जाती है। हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए तुरंत अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के बेहतर इलाज के लिए तुरंत मदद के लिए टीमें लगाई गई हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के DM से हालात की जानकारी ली है। NDRF की एडवांस टीम मौके पर मौजूद है। 1 NDRF, 2 SDRF की टीम मौके पर राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। तस्वीरें भी आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। इस समय भी राहत बचाव का काम चल रहा है। स्थानीय अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। क्षेत्र के जो सांसद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से, वो भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं इस खबर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस खबर पर नज़र बना रखी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, 3 मंजिला इमारत जो भरभरा के गिर गई है, मलबे में किस तरह से तब्दील हुई है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। 28 लोग घायल हैं, जिनमें कईयों की हालत नाजुक बनी है। जी, हम लोग लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। जी, काम करते थे। क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे 1 घंटे पहले हम लोग बताया गया, इनकी प्ले लाइफ क्रैक हुआ। नीचे ग्राउंड फ्लोर ने जो भी गोडाउन था उनका, उन्होंने इन्फॉर्म किया हम लोगों को। तो हम लोग देखने गए तो सच में क्रैक हुआ था। तो उसके बाद हम लोग बात करी, बॉस से बात करी गई, तो उन्होंने बोला कि ऐसी दिक्कत आ रही तो काम रोक दिया जाए, गोडाउन बंद कर दिया जाए। एक बिल्डिंग टूटा हुआ था, उसके करीब आधे घंटे 1 घंटे बाद लगभग बिल्डिंग गिरी। सचेत हुए, ग्राउंड पूरा बंद कर दिया चुका था। सचेत होने के बाद बाहर आ चुके थे। नीचे वाले ग्राउंड के भी लगभग सभी लोग बाहर आ चुके थे, कुछ ही लोग अंदर बचे होंगे, बाकी सब लोग बाहर आ चुके थे। बिल्डिंग में कम से कम रहेंगे लगभग 50 लोग रहेंगे। जी, मंजर एकदम से बिल्डिंग गिरी, एकदम से स्टार्ट हुई, हम लोग भागे, कंटेनर खड़ा हुआ था उसके नीचे, मैं छुप गया, जिस वजह से चोट मुझे कम आई, बाकी जो लोग ज़्यादा इसलिए चोट ज़्यादा आई, और काफ़ी लोग फंस गए और कुछ लोग दब गए, और अभी 1-2 लोग अभी मिले नहीं हैं अभी तक। राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में जो दुर्घटना हुई है, उसके घायलों को लोकबंद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि सीरियस लोगों को लखनऊ के KGMU के ट्रामा सेंटर भेजा गया है। लोकबंद अस्पताल के वार्ड में मौजूद हूँ, और यहाँ पर तमाम लोग अपनी अपनी कहानियाँ बयां कर रहे हैं कि आखिर वो जिंदगी से जूझते हुए कैसे मौत के मुंह से बाहर आए। साउथ ऑफ से आप देखें तो इस वार्ड में कई सारे लोग लेटे हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है, और साथ ही उनकी जांचें हो रही हैं कि आखिर उनका बेहतर उपचार कैसे रह सकता है। सबसे खास और अहम बात यह है कि ये तमाम लोग बता रहे हैं कि जो बिल्डिंग थी वो 2 फ्लोर की थी, जो फर्स्ट फ्लोर के लोग थे उनकी जिंदगियां तो बच गई, लेकिन जो नीचे के फ्लोर पे काम कर रहे थे वो ज़्यादा सीरियस हैं, और उनमें कई सारे लोग अपनी जिंदगी और मौत से जूझते हुए आखिर में मौत ने उन्हें गले लगा लिया। तो ऐसे में राजधानी लखनऊ में जो दुर्घट हादसा हुआ है, उन तमाम लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसे में जो लोग सीरियस हैं उनको ट्रामा सेंटर में रेफर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज 18 लखनऊ। देखिए, अभी तक जो है, कल से जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसमें 8 लोगों के जो है कोलैप्स होने की स्थिति आई हुई है, जिनकी हम लोग जो है इसका आगे मेडिकल कॉलेज वगैरह भेज करके इनकी जो इनके डेड बॉडी के संदर्भ में जो आवश्यक अन्य कार्रवाइयाँ हैं वो विधिक स्तर पर की जा रही हैं। 28 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज भी सुनिश्चित किया जा रहा है, उनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है। मृतकों की संख्या में क्या? मृतकों की संख्या 8 है, और हम उम्मीद करते हैं और हमारी प्रार्थना भी ईश्वर से ये कर रहे हैं कि यहाँ पर अब जो संवेदनशीलता के आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी तक जो जिसके कोलैप्स होने की स्थिति थी उनको हम लोग निकाल चुके हैं, बाकी लोगों के लिए भी हम लोग संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। कितना क्या कुछ अनुमानित लग रहा है, कितने समय में रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया? हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग 5-6 घंटे में और आगे 5-6 घंटे में इसको फिनिश कर लेंगे, और जो अगल बगल की जो बिल्डिंग्स हैं जो संवेदनशील हैं उसको भी सिक्योर कर रहे हैं। तो आप देखिए, अधिकारियों को सुन रहे हैं, साथ ही हमारे सहयोगी जो यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं वो भी आप तक जानकारी पहुँचा रहे हैं कि किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही लगभग 50 लोग बताए जा रहे हैं जो बिल्डिंग के नीचे दब जाते हैं। 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने, 3 मंजिला इमारत गिरी है ये,
और इसमें 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। अब खबर अंबेडकर नगर से है। सड़क हादसा यहां हुआ है, 3 लोगों की मौत हुई है। बेकाबू कार ने 2 बाइक्स को मारी है टक्कर, जिसमें 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। 2 लोगों की मौत तो ऑन स्पॉट हो गई थी, इलाज के दौरान 1 महिला की भी मौत हुई है। पुलिस ने कार की डिग्गी से शराब की बोतलें बरामद की है। हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है ड्राइवर। ड्राइवर अकबरपुर के बरियावन गांव में यह हादसा हुआ है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद दुखद हादसा। 3 लोगों की मौत हुई है इस रफ्तार के कहर से। 2 लोगों की मौत मौके पर हो जाती है, जबकि 1 महिला की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई है। हादसे के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भीषण एक्सीडेंट बरियावन बाजार में। और आइए बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आगे के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अजेंद्र सिंह राजपूत, जिनके बेटे के बीच सड़क पर गुंडई जो है वो देखी गई है। महिला जो है बीमार थी कल 4 घंटे जाम निकला। बीच सड़क पे उनके बेटे की गुंडई आप देख रहे हैं। आरोप के मुताबिक अजेंद्र सिंह राजपूत के बेटे ने ओवरलोड ट्रकों से जर्जर हुई सड़क का हवाला देकर सैकड़ों समर्थकों के साथ में मिलकर दर्जनों ट्रकों को जबरन रोका, इससे रोड जाम हो गया। रोड जाम की सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स को मौके पर पहुंचना पड़ा। थाना प्रभारी और सांसद के बेटे के समर्थकों में तीखी नोकझोंक हुई है। पहले मैंने लिख के भेजा है, आप तो आ जाए है ना, मैंने हर समस्या को पहले उठाया है, हर मंच पे उठाया है। ये आपको इसके लिए धन्यवाद कि आपने हमारी जनता के लिए समस्या को हर बार उठाया है। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर के आज हमने स्वयं यहाँ आने का विचार किया, जिससे सिलालपुरा रोड में अवैध खनन के ओवरलोडिंग के ट्रकों के द्वारा भारी मात्रा में जाम पड़ा हुआ था, जिससे हमारी गाड़ियाँ वहाँ नहीं जा पाई, जिससे हम लोगों को इस गांव के यहाँ तक आने में पूरे दिन लगना पड़ा। 3 बजे हम लोग आ चुके थे, 3 बजे से जाम शाम तक खुला। और यहाँ के लोगों ने हमें जो शिकायतें दी उसमें लिखे थे कि अगर यहाँ पर कोई महिला बीमार हो जाती है, कोई पुरुष बीमार हो जाता है, तो कई घंटों उन्हें जो है लाइन में लगा रहना पड़ता है, उसके बावजूद जाम नहीं खुल पाता, प्रशासन जाम खुलवाने में नाकाम रहता।